अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो और वजीटा डीमंस बन जाते हैं और वजीटा गॉड गोकू को भी मार देता है और वो दोनों फ्री से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मांगा कॉर्डमी अजय ने बनाई है, पूरी मांगा देखने के लिए चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना मत भूलना। सो लेट्स गो। सयन, तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो और वजीटा ट्रीज के सामने होते हैं और वजीटो बोलता है, तुमने अभी क्या बोला वजीटा? तुम कब से हमें ये बोलने लगे, कौन हो तुम? जिसको सुनकर डीमन वजीटा बोलता है, क्या लगता है मैं कौन हूं, क्लाउन? और वजीटा अपनी डीमन पावर बढ़ाने लगता है जब लूसिफ उसके पीछे होता है। लानत है तुम पर। जिसको देखकर वजीटो गुस्से में बोलता है, मुझे पता था ये होने वाला है। सिर्फ एक माइंड के मेंटल कैपेसिटी से वजीटा अकेले लूसिफ को अपनी विल पावर से नहीं रोक सकता। ये कोई बाबिली नहीं है, ये खुद डेविल है। वजीटा, अपने आप को संभालो। तभी वजीटा तेज रफ्तार से चार्ज कर देता है वजीटा, जिससे गॉड टियर भी शॉक होकर बोलता है, रुको, हमें ये साथ में करना होगा। मैं लूसिफ वजीटा के अंदर से बोलता है, रुक जाओ, मैं इस बच्चे को मारने का सालों से इंतजार कर रहा था। पर ग्रैंड बीस्ट बस अपने हाथ को देखता है। तभी अचानक से वजीटा उसके पीछे जाता है और अचानक से वजीटा उसे पंच मार देता है, जिससे प्रीस्ट हिलता भी नहीं है। जिससे वजीटा भी शॉक होता है, लेकिन वहीं प्रीस्ट अपने आप को देखकर बोलता है, इस फॉर्म को इस्तेमाल किए सच में बहुत टाइम हो चुका है, कुछ टाइम लगेगा इसको संभालने में, लेकिन मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि मैं पहले से भी बेहतर हूँ भाई। तभी वजीटा एक जोर की एक प्रीस्ट को मारता है। नामुमकिन, डाय, तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। मैं प्रीस्ट बोलता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली जितना तुम बन सकते हो लूसिफ। कैश फॉर्म को देखकर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि कैसे आखिरी बार मैंने तुम्हें बंद किया था? डर में आ जाओ तुम पुराने बेवकूफ। मेरा शरीर। तभी वजीटा अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा होता है जब तक अचानक से वजीटा को एक्सप्लोशन लगता है। वजीटा, जिससे गॉड किलर भी परेशान होकर बोलता है, इसलिए मैंने बोला था रुक जाओ तुम बेवकूफ, लगता है मुझे सब कुछ अकेले ही करना होगा। कम से कम मैं चांस रह सकता हूँ, इतनी कम पावर से लूसिफ वजीटा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एक लूसिफ का टाइम बॉम्ब भी काफी है। तभी वजीटा धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है, बोलता है, पुराना बेवकूफ, लगता है तुम्हें याद नहीं है आखिरी बार क्या हुआ था डाय, कि तुम कॉर्स मुझसे इतना क्यों डरते थे। अचानक से तभी वजीटा के पास एक तीसरी आंख आ जाती है और वो बोलता है, तुमने अपने आखिरी हाथ दिखा दिया हो, पर ये मत भूलना कि मैं अपने दिखाने शुरू भी नहीं किए हैं। तभी वजीटो इसे देखकर शॉक में बोलता है, नहीं, वो तो उससे भी ज़्यादा तेज वजीटा को कंट्रोल कर रहा है जितना मैंने सोचा था, इसकी पावर वो तेजी से बढ़ रही है, मुझे जल्दी क्या। लेकिन वजीटो कुछ और सोचता वजीटा डाई पर चार्ज कर देता है जब तक, इस बार ये रोक कर दिखाओ छोटे भाई। वहीं वजीटो ये देखकर बोलता है, जो भी है लगता नहीं सोचने का और टाइम रहेगा, कम से कम वो मेरी साइड तो है। डाई, ये तुम्हारा अंत है। और वजीटो भी वजीटा को ज्वाइन कर लेता है। दोनों लूसिफ और वजीटो चार्ज कर देते हैं और वजीटा अपना फर्स्ट अटैक लैंड करने ही वाला होता है। तभी प्रीस्ट उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है।
जिसको देखकर लूसिफ वेजिटा बोलता है, ओह तो अब तुम लॉक करोगे हाँ, है ना, बढ़िया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं कितना बड़ा खतरा हूँ डाय इस इम्परफेक्ट वेसल के साथ भी, जो कि मेरी थोड़ी सी पावर ही बाहर ला सकती है। ये याद रखना, तुम हमेशा मेरी परछाई में रहोगे। और डाई सुनकर गुस्सा होकर बोलता है, परछाई किस तरह का शैडो वो देगा जो कि एंजल के नाम पर एक डीमन है, मगर तुम्हारी हरकतें ना देखें, लेकिन मैं हमेशा उन्हें देखता रहूंगा। लूसिफ तुम्हें अपनी पावर का कुछ नहीं पता, जिस तरह इन मॉर्टल्स को लगता है कि वो गॉड्स को खत्म कर सकते हैं। मॉर्टल्स की बात आए तो वो किधर गया? अचानक से डाय अपने ऊपर देखता है। पकड़े रहना, अब ये होता है असली टीम वर्क। और वो अल्ट्रा वेजिटा होता है जिसके पास एक गॉड्स लेयर साइथ होती है, जिसको देखकर डाय बोलता है, जैसा मैंने सोचा था बेवकूफ। लेकिन वही वेजिटा बोलता है, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा डाय। तभी वेजिटो अपनी ब्लेड मार देता है। और दोनों भाई सही टाइम पर पीछे हो जाते हैं। और डाय बोलता है, लगता है ये मॉर्टल भी तुम्हारी बॉस की पावर यूज कर रहा है। मुझे जानना है क्या तुम्हारी पावर इन दोनों सेंस में इक्वली डिवाइडेड है? लेकिन वेजिटा ये सुनकर बोलता है, सिर्फ अगर तुम्हें पता होता इसका सीक्रेट प्यारे छोटे भाई। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी दोनों फाइटर्स पीछे हो जाते हैं। जल्दी उठ जाओ। पर तभी वेजिटा उसके पीछे जाता है और लेकिन डाय वेजिटा का पंच ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो अगले ही सेकंड एक एनर्जी बॉल चार्ज करके बोलता है, इतना इम्प्योर मटेरियल मेरे जैसे डिवाइन एंजल पर लगाने की सोचना भी मत। हाँ, लेकिन ये देखकर वेजिटा सोचता है, ये एनर्जी क्या ये स्माइट? जब तक डाय उस बीम को फायर कर देता है जिससे वेजिटा का हाथ उड़ जाता है। लानत है तुम पर, जिससे वेजिटा का हाथ पूरी तरह स्लाइम बन जाता है। आउच। और वेजिटा ये देखकर बोलता है, तुम भी हाँ जल रहा होगा है ना, फिकर मत करो तुम इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अचानक से डाय गॉड किलर के पीछे आ जाता है और बोलता है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है गॉड किलर, शायद तुम भूल गए हो कि तुम किसका सामना कर रहे हो। क्या वेजिटा? पर तभी एक रोशनी आने लगती है और उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आ जाती है जो कि अचानक से एक्सप्लोड हो जाती है। नहीं, इसे कहते हैं अच्छा टीम वर्क वेजिटो। तभी वेजिटा इसको देखकर हंस रहा होता है और चिल्लाता है, बारह छोटे भाई, वो अटैक गॉड किलर को लगा हो या नहीं पर तुम्हें जरूर लगा होगा। तभी डाय उस धुएं से बाहर आता है। तभी डाय लूसिफ पर गुस्सा होकर बोलता है, तुम कितने खाली हो मुझे यकीन नहीं होता लूसिफ, ये मॉर्टल थे ही बेवकूफ कि उन्होंने तुम पर भरोसा किया। तो मैं उन्हें ही उनकी बेवकूफी से बचा लूंगा और तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। और डाय रेज में वेजिटा की तरफ चार्ज कर देता है। पर तभी डाय बदलने लग जाता है जब वो एक डिवाइन बीस्ट का रूप ले लेता है। ये क्या बकवास है, जिसको देखकर वेजिटा भी डर में आ जाता है। तभी लूसिफ अपने हाथों को जोड़ने लगता है जब तक अब कोशिश कर लो डाय। अचानक से उसका हाथ एक शील्ड बन जाता है। पर तभी डाय बिल्कुल डीमन लूसिफ वेजिटा के सामने आ जाता है। एक मिनट रुको डाय, ये पावर क्या है? लेकिन वेजिटा के गार्ड के बाद भी वो उसे नहीं रोक पाता। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसमें से बाहर आ जाता है डाय।
जिसमें से बाहर आता है प्रिंस वेजिटा और उसके दोनों हाथ गायब होते हैं। और वो बोलता है उस वेजिटो बच्चे से अभी मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, वो कहाँ भाग चुका है। हाँ अभी मदद की भीख मांग रहे हो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी परछाई में हूँ, उसका उल्टा नहीं। तभी अचानक से डाय उसके पीछे आ जाता है। तभी डाय बुरी तरह वेजिटो को मार देता है जिससे वो नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। तभी डाय ऊपर वेजिटो को देखता है। काफी टाइम मिल गया इसको पूरा करने के लिए, बेहतरीन। वेजिटा और वेजिटो एक डिमोनिक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और बोलता है अब जेनो और इस पूरे रियल को बाय बाय कह दो। जब तक अचानक से वेजिटो शॉक होता है कैसे। तभी डाय उसे पंच मार देता है। ये स्पीड ये नामुमकिन है। मॉर्टल्स को कब से लगने लगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक गॉड के लिए। और ये देखकर डाय भी गुस्सा होता है। जब तक लिंक तभी वो एनर्जी बॉल डाय के पास जाने लगती है। तभी वो एनर्जी डाय के डायमंड सिंबल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। कितना गंदा है। तभी डाय हंसते हुए बोलता है ये डेव एनर्जी भी एक वक्त पर एक एंजल थी और इसी वजह से वो वापस एंजल के पास ही आनी चाहिए। ये क्या। तभी वेजिटो शॉक होता है जब डाई की बॉडी चमकने लगती है। वो इस बारी क्या करना चाहता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिससे वेजिटो भी डर में आ जाता है। पर तभी नीचे एक वॉरियर खड़ा होता है और हम प्रिंस वेजिटो को देखते हैं और वो गुस्से में बोलता है इससे तो कुछ नहीं होने वाला, अब डाई मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है पर कब से, जिसका मतलब अब एनर्जी अटैक्स बेकार हो चुके हैं। जा अचानक से एक हॉर्न बाहर आता है। मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। तभी डीमन लूसिफ वेजिटा खड़ा होता है और वो बोलता है तुम्हारा ईगो कुछ ज्यादा बाहर चला गया है जब से मैं गया हूँ, लगता है वक्त आ चुका है कि मैं उसे खुद काट दूँ। और मुझे पता है ये कैसे करना है। तभी वेजिटा अपने हॉर्न को पकड़ता है और तभी वो उसको बाहर निकाल लेता है और उसके पास एक नई तलवार आ जाती है और वेजिटा चार्ज कर देता है वेजिटा। तभी वेजिटो भी ये देखकर शॉक होता है। जब तक लेकिन वेजिटा उस अटैक को मिस कर देता है और वेजिटो बोलता है नहीं, कितनी बेकार कोशिश आई ये स्माइट। और ये बोलते ही वेजिटा की स्वॉर्ड इरेज हो जाती है। इतनी आसानी से उसने लूसिफ का ब्लेड इतनी आसानी से खत्म कर दिया। तभी डाय अपने अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक अचानक से उसके चेस्ट का सिंबल चमकने लगता है और इसी तरह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों शॉक होते हैं। तभी एक जाइजेंटिक एक्सप्लोजन होता है जिसमें से बाहर आते हैं वेजिटा और गॉड किलर। इससे कुछ नहीं हो रहा क्लाउन, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा अगर हमें ये जीतना है। लेकिन वेजिटो बोलता है मैं बात भी किससे कर रहा हूँ, लूसिफ या वेजिटा, जो भी है तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। हाँ तभी वेजिटा स्नैप करता है। वेजिटा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है वेजिटा फिर से ये नहीं, अपने आप को संभालो, लूसिफ को कंट्रोल मत लेने देना। पर वेजिटा बुरी हालत में बोलता है कंट्रोल मत लूसिफ किसे कंट्रोल मत देना स्वयं। लेकिन वो डेविल वेजिटा को बोलता है प्रिंस क्यों क्यों तुम्हें लगता तुम क्यों नहीं जीत रहे, तुम्हें लगता है तुम इसे उस कमजोर की मदद से खत्म कर सकते हो।
वो तो सिर्फ तुम्हारा आधा पोटेंशियल है, बाकी सारा वो लो क्लास जोकर है। तुम यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, एक सैयद एलीट। दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो? चल तुम अकेले ही मेरी सारी पावर्स अनलीश कर सकते हो और इस सबको खत्म कर सकते हो। तुम अकेले सबको वापस लाकर एक हीरो बन सकते हो। एक हीरो उनको वापस। और ये सुनकर वजीटा अपनी फैमिली याद करने लग जाता है, जब तक तभी वजीटा सब अनलीश कर देता है। उसके बाल रेड होने लग जाते हैं और एक रेड कलर का सर्कल उसके पास आ जाता है। मैं आ ही गया, मैं बस वापस आ ही गया हूँ, डाय। और अब प्रिंस डीमन बन चुका है। हाँ नहीं, जिससे वजीटा भी डर में आ जाता है और बोलता है, वजीटा तुम बेवकूफ, तुम सबको खतरे में डाल रहे हो। पहले वही हीटी गोकू को पंच मारता है। हाँ लेकिन तभी गोकू को वजीटा की एनर्जी सेंस होती है और वो बोलता है, वजीटा तुम्हारी एनर्जी वो बदल चुकी है, तुम तो मुझे और पीछे छोड़ रहे हो और ये एनर्जी साफ नहीं लग रही, मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन जीटी उसे अटैक करने वाला होता है, जब तक लेकिन तभी गोकू उसे ब्लॉक कर देता है। तभी हम गोकू की नई फॉर्म देखते हैं और वो सेरेफिम का अगला लेवल पा लेता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #Seraphim। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।